गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। आशा करती हूँ आप भी बहुत ही अच्छे से होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे और मेरा व्लॉग देख रहे होंगे। यहाँ पर दोस्तों आज भरवा परवल बना रही हूँ सुबह, और इसके साथ बना रही हूँ तोरी की सब्जी, और दोनों चीज़ जो है वो लंच में जाएंगी और टिफ़िन तैयार करना है बस। तो यहाँ पर देख लीजिए, टिफ़िन में मैंने डाल दी है, सब्जी बन चुकी है दोनों, तो तोरी भी डाल दी है और परवल भी डाल दिया। और आज ना दोस्तों मैं जाऊंगी पुदीना काटने छत पर, पुदीना ना काफ़ी सारा हो गया है, तो फिर मैंने सोचा थोड़ा सुखा लूँगी, थोड़े की चटनी बना लूँगी, तो फिर आज छत पर जाऊंगी पुदीना काटने। तो आप भी चलिएगा मेरे साथ, व्लॉग में बने रहिएगा। और यहाँ पर देख लीजिए टिफ़िन जो है वो मैं पैक कर रही हूँ, इधर सैलेड जो है वो मैं दूसरे डब्बे में डाल रही हूँ, तो बस काट लेती हूँ और डब्बे में डालकर इसको भी पैक करके रख देती हूँ। वो डाल लिया है मैंने डब्बे में, और यहाँ पर टिफ़िन पैक हो गए थे वो भी इन इसमें लगा देती हूँ, और लगा कर दे देती हूँ, और बस ये लोग चले जाएंगे, और उसके बाद जो मेरा रूटीन वर्क है वो मैं कर लूँगी और मैं भी नाश्ता कर लूँगी। तो सुबह सुबह का ना दोस्तों ऐसा ही बिज़ी बिज़ी सा टाइम होता है, सुबह टाइम नहीं मिलता बिल्कुल भी कि आप शांति से बैठ के ना एक कप चाय पी लो। तो बस सबके जाने के बाद फिर जो है ना वो मैं लग गई थी किचन में, किचन को धोने। और आज ना थर्सडे है, तो सुबह मैं वीरवार की पूजा ऊपर छत पर कर आई थी, केले की पूजा। व्लॉग नहीं शूट कर पाई दोस्तों, क्योंकि इतनी सुबह ना नहीं कर पाती काफ़ी बार ना, तो बस। लेकिन नेक्स्ट टाइम कभी थर्सडे पूजा करूँगी तो आपको व्लॉग शूट करके दिखाऊँगी। तो यहाँ पर ना रसोई धो रही थी, क्योंकि थर्सडे को ना मैं पोछा नहीं लगाती हूँ बिल्कुल भी। तो और मेरी सासू माई ना शुरू से ही मतलब वो कहती थी कि थर्सडे को पोछा नहीं लगाना चाहिए, बाल नहीं धोने चाहिए, तो जो भी उनके रीति रिवाज है वो सब मैं फॉलो करती हूँ। जो भी उन्होंने इंस्ट्रक्शन मुझे शुरू से दी हुई हैं वो सारी मुझे फॉलो करनी होती हैं। ऐसा नहीं है कि मैं ये सब चीज़ें ज़बरदस्ती फॉलो करती हूँ। देखो मेरी सास तो अब है नहीं, लेकिन फिर भी उनकी जो बनाई हुई चीज़ें हैं, जो रीति रिवाज है ना, वो मैं सब फॉलो इसलिए करती हूँ क्योंकि एक प्यार है, एक विश्वास है कि वो जो कहती थी ना ठीक ही कहती थी। और बस मम्मी बता कर गई थी मुझे कि थर्सडे को आपने पोछा नहीं लगाना है, तो मैं नहीं लगाती हूँ, फिर भी नहीं धोती हूँ और कपड़े भी नहीं धोती हूँ, और साबुन लगा के ना नहाते भी नहीं है हमारे यहाँ पे। थर्सडे को सिर्फ पानी डाल के नहा लेते हैं। और यहाँ पर ना मैंने रसोई किचन को धो दिया है, और बस फैन चला दिया, सूख जाएगी और थोड़ी देर बाद जाएंगे छत पर। और अभी इस टाइम पे ना टाइम हो रहा है 12 बज रहे हैं, तो सारा मेरा जो काम है नीचे का वो निपट चुका है। यहाँ पर दोस्तों मैंने एक डोंगा ले लिया है और ले ली है कैंची। अब मैं जा रही हूँ छत पर, और छत पर आपको दिखाती भी हूँ, शेयर भी करती हूँ, देखते रहिएगा। थोड़ी सी तो पुदीना मैं काटूंगी, और थोड़ा सा जो पुदीना है ना वो मैं सुखाने को रख दूंगी, तो एक चुन्नी भी मैं ले लेती हूँ, ऊपर सुखाने में काम आएगी। तो ये वाली चुन्नी ले ली है मैंने, ज़्यादा पतली तो नहीं है ये, पर फिर भी मेरे पास कोई और ऐसी है नहीं। एक है वो फिर वॉश नहीं करी हुई, तो फिर यही वाले ले जाती हूँ, इस पर सुखा दूंगी। और डब्बा तो भूल ही गई, डब्बा भी उठा लेती हूँ। ये चलिए ऊपर चलते हैं और देखते हैं, शोना तो मुझे काटने देगा नहीं, कितनी मशक्कत लगती है मुझे इस काम में, दूर से ही देख लेती है। सोना तेरे लिए नहीं लाई, पुदीना काटने आई हूँ बाबू। ये देख खाना नहीं खाया तूने पूरा अभी तक, चलो खाना खाओ। कहाँ गई देखो, अरे खाना खा ले बाबू, कौन खा ले मेरा बच्चा, वहीं पे बैठा कर, अच्छे आए हो शेड के नीचे, जा वहीं बैठ, मैं जा रही हूँ पुदीना काटने, ठीक है, धूप में नहीं आना मेरे साथ, वहीं पे बैठो, चलो जाओ 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 उधर ही जाओ, उधर जाओ। देखो दोस्तों कितना घना हो गया ये अब पुदीना ना, और ये जो मैंने मटके इधर रख दिए थे ना, मटके के टुकड़े, ताकि ये ना बैठे बिल्ली, तो इधर से भी ना देखो अब आने लग गया, इस साइड भी हो जाएगा। ये देखो एक इसमें ये गेंदा उग गया है,
रहने देती हूँ इसे, तो काट लेते हैं चलिए। और मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद, क्योंकि एक हाथ से कैमरा पकड़ूंगी एक हाथ से कट करूंगी तो होगा नहीं। और इधर मैं आपको दिखाती हूँ वो क्या कर रही है, देखो देखो कहाँ बैठी आके, ये देखो बिल्कुल आके घुस के बैठ चुकी है ये यहाँ। तो चलिए मैं काट लेती हूँ। ये देखो दोस्तों ये तो भर रहा है, थोड़ा और है अभी तो, ये देखो कितना सारा भर गया है। अभी और ले लेती हूँ क्योंकि आधा सुखाऊंगी और आधा जो है ना वो मैं चटनी बना लूँगी। तो ये देखो दोस्तों इतना सारा पुदीना जो है वो मैंने निकाल लिया है, और दिखाती हूँ आपको मेरे साथ साथ धूप में ये भी बैठी है। देखो शना जाओ अंदर जाके बैठो, और ये देखो सारा काट लिया है। तो चलिए इसको थोड़ा आधा जो है ना वो सुखा देती हूँ मैं, अब इधर सुखाऊंगी, इस पे बैठना नहीं है ठीक है, ढक दूंगी मैं आधा, फिर कुने ईंट लगा के ढकना पड़ेगा। ये जी ना बिल्कुल भी जो ये है वो बिल्कुल साफ है, धुला हुआ है, धोने की भी जरूरत नहीं है मुझे इसे। अंदर ही बैठो ठीक है, बाहर मत निकलना यहां से ठीक है बाबू, अंदर रहना ठीक है, मैं जा रही हूँ बाय। फाइनली इस पे मैंने ना चुन्नी पे सुखा दिया है, क्योंकि वो वाली ना ज़्यादा मोटी थी, तो ये पतली रहेगी तो फिर जल्दी सूख जाएगा, और धूप तो बहुत तेज है ही। और सोना चली गई अंदर सोने, ठीक है वो भी सो जाएगी, आवाज़ तो आ रही है उसकी। चलिए हम भी चलते हैं नीचे। नीचे के लिए तो दोस्तों मैं कुछ लाई नहीं चटनी के लिए, तो क्योंकि वो फिर मैंने सोचा सुखा ही देती हूँ सारा, क्योंकि अभी अगर मैं चटनी बना के भी रखती हूँ तो अभी ना मेरे एक दो फास्ट आने वाले हैं, पूर्णिमा का फास्ट है और उसका चौथ का भी आने वाला है, तो मैंने कहा लहसुन की चटनी फिर ना फ्रिज में रखी रहेगी तो ठीक नहीं है, तो फास्ट निपट जाते हैं फिर उसके बाद बना लूँगी, दोबारा आ भी जाएगा तब तक। पर मशीन चल रही है तो बस। चुन्नी चुन्नी हे, अरे नोना, अरे नोना, अरे नोना, नोना निकला मेरा पारा, नोना निकला, नोना नोना निकला, अरे गुनी नोना निकला, गुनी नोना। चुन्नी चुन्नी चुन्ने चुन्ने, अरे रानी 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 बेटी, रानी बेटी।